असलम नाजीन, आज हम बना रहे हैं टमाटर राइस। तो उसके लिए मैंने पहले से 2 कप राइस मैंने बॉईल करके रख लिए थे, थोड़ा सा नमक डाल के। और इसमें तेल जाएगा 3 टेबलस्पून में डालूंगी। और मैंने प्याज काट लिए ऐसे चौकोर, 2 प्याज मैंने चौकोर काट लिए, 1 टमाटर चौकोर काट लिया है। और इसमें रहेगा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी मैं कुटी मिर्ची डालूंगी 1/2 टीस्पून, ये अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा आप लोग। और टमाटर केचप 2 टेबलस्पून, टमाटर पेस्ट जाएगा ये 1/2 कप लिया मैंने। और धनिया और एक हरी मिर्च डालूंगी मैं इसमें आखिर में, और थोड़ी सी ओरिगानो डालूंगी 1/2 टीस्पून। और ये बघार का सामान है, 2 मैंने लाल मिर्ची ली है कश्मीरी, थोड़ी सी मस्टर्ड सीड 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून जीरा, और 4 से 5 में इसमें कड़ी पत्ते डाल। तो कड़ी पत्ते मेरे फ्रोजन होते हैं, मैं बाद में निकालूंगी, तो इसमें ये सब चीज़ें जाएंगी। मैं यहाँ पैन गरम कर रही हूँ, उसमें मैं डालूंगी ऑयल। जो ऑयल गरम हो गया है मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने हल्का फ्राई कर लिया, मैं इसे निकाल लूंगी। मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। इसे भी मैं निकाल लूंगी, ये भी हल्के नरम हो गए। अब यहाँ मैं मिर्ची डाल दूंगी, और मैं इसमें कड़ी पत्ता और ये सब चीजें डालूंगी। अब मैं इसमें टमाटर पेस्ट, केचप डालूंगी, थोड़ी सी कुटी मिर्ची, और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, ये सब डाल के मैं इसे भून लूंगी। मिर्ची आप लोग अपनी मर्जी से डालिएगा। इसको मैं भूनूंगी जब तेल ऊपर आ जाएगा। ये भून गया अच्छा सा, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल जो मैंने पहले से बॉईल करके, यानी चावल डाल दिया है, ये डाल दूंगी। मैं प्याज डाल दूंगी, ये हरी मिर्च और धनिया मैंने काट के रखा है, ये आलू मैंने मिर्ची इसको मैंने मोटा मोटा काटा है, ये इसको डाल दूंगी सब। थोड़ा सा ओरिगानो ये छिड़क दूंगी। और मैं इसको ढक के, इसको मिक्स नहीं करना है मुझे, इसको मुझे ढक के सिर्फ 2 से 3 मिनट दूंगी मैं इसे दम पे, और फिर मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए जब हम इसे खोल के देखते हैं, अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। मैं इसे डिफ्राई करती हूँ। ये देखिए जी हमने निकाल लिया है, और इसमें टमाटर भी खड़े खड़े हैं और प्याज भी,
और ये बहुत मजे के बनते हैं, ये देखें टमाटर राइस, किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो ये उनके लिए है। और आप भी बनाएगा इसी स्टाइल में और बताएगा कैसा लगा, और मेरा फेसबुक पेज भी है उसे भी देखिएगा, कुकिंग विद सर सैयद। लगे तो यूट्यूब पे कमेंट दें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे तो थम्स अप भी कीजिएगा। मेरी वेबसाइट भी है कुकिंग विद सर सैयद, उस पर भी काफ़ी सारी रेसिपी हैं, आप लोग देखिएगा और ये बनाएगा ज़रूर, बताएगा कैसा लगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।